हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अष्टमी और नवमी को माता रानी को भोग लगाने वाला प्रसाद। नवरात्रि में हम लोग माता रानी को कुछ न कुछ प्रसाद बना के भोग लगाते हैं, तो मैं आपके लिए आज नवरात्रि स्पेशल हलवा, पूड़ी और काले चने की रेसिपी लेकर आई हूँ। और मात्र आधे घंटे के अंदर ये तीनों प्रसाद तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं माता रानी के प्रसाद की रेसिपी। तो सबसे पहले हम लोग सब्जी बनाएंगे काले चने की। तो यहाँ पे मैंने पूरी रात काले चने को भिगो दिया था फूलने के लिए और अच्छी तरह से फूल गई है, तो इसे दो तीन पानी हम लोग पहले वॉश कर लेते हैं। तो चने को मैंने अच्छे से दो तीन पानी साफ़ कर लिया है। अब इसे हम लोग प्रेशर कुकर में डाल देंगे। ये मेज़रमेंट में आधा कप है। अब इसमें हम लोग एक गिलास पानी डालेंगे और एक छोटी चम्मच हम लोग नमक डालेंगे। नमक डालने से जल्दी पक जाते हैं हमारे चने। और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसे हम लोग तीन चार सीटी आने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने पकने के लिए रख दिया है गैस पे। तो फ्रेंड्स, चने को मैंने गैस से उतार लिया है और जब तक हमारा उसका प्रेशर निकलता है तब तक हम लोग हलवा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधे कप चीनी ली है और आधे कप चीनी में दो कप हम लोग पानी डालेंगे, यानी कि चीनी का चार गुना पानी हमें लेना है। गैस को ऑन कर देंगे और चीनी को घुलने तक बस हम लोग पकाएंगे। ये हलवा के लिए हम चीनी का घोल तैयार कर रहे हैं। तो ये चीनी हमारे अच्छे से घुल गई है पानी में, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे हम लोग गैस से उतार लेंगे और एक कढ़ाई रख देंगे गैस पे हलवा बनाने के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप शुद्ध देसी घी। ध्यान रहे हलवे में घी, चीनी और सूजी बराबर मात्रा में होती है। तो आधा कप चीनी के लिए आधा कप घी लिया मैंने। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के हल्का रोस्ट करके मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने मखाना, नारियल और किशमिश लिया है। आप चाहें तो अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, काजू, बादाम, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इसे हल्का सा सेक करके हम लोग निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है ड्राई फ्रूट्स। और वापस से इसी घी में हम लोग आधा कप सूजी डाल देंगे और सूजी के डालने के बाद हम लोग लगातार इसे चलाते हुए इस तरह से हम लोग भूनेंगे। गैस को मैंने मीडियम पे रखा है और इसे 5 से 7 मिनट तक हम लोग भूनेंगे, जब तक इसका कलर थोड़ा सुनहरा ना हो जाए और इससे खुशबू आने लगेगी और घी भी रिलीज़ होने लगेगा। तो इसे लगातार हम लोग चलाते हुए भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, सूजी को भूनते हुए मुझे 6-7 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे और आप लोग देख सकते हैं कि इसे कलर इनका कितना चेंज हो गया है और घी भी रिलीज़ हो रही है एकदम चारों तरफ से। तो अब इसमें हम लोग चीनी वाला जो पानी था उसे डाल देंगे धीरे धीरे करके। तो चलाते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सारा पानी डाल दिया है और अब इसे चलाते हुए हम लोग मीडियम हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट पकाएंगे। और 2-3 मिनट बाद हमारा अपने आप पानी जो है सूख जाएगा और सूजी हमारी एकदम सॉफ्ट नरम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हलवा हमारा कितना स्मूथ दिख रहा है और इसका कलर भी आप लोग देख सकते हैं। और नज़दीक से मैं टेक्सचर दिखाती हूँ हलवे का, एकदम मक्खन जैसा, एकदम क्रीमी टेक्सचर हुआ है। अच्छे से पक गया है हमारा सूजी। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे हमारा जो फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स था और साथ में मैं 4 हरी इलायची को कूट करके डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और अच्छे से एक बार सारी चीज़ों को हम लोग मिला लेंगे। तो देखिए कितनी नरम हलवा हमारी हुई है सूजी की। बहुत ही नरम, एकदम चिकना हलवा हुआ है हमारा। तो ये हलवा लगभग तैयार है, उतारने पे भी जमता है गैस से। तो अब लास्ट में मैं इसमें 2 चम्मच ऊपर से घी डाल देती हूँ इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए और ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और टेस्टी भी। और घी डाल के एक बार अच्छे से मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो अच्छे से मैंने मिला लिया है, आप लोग देख सकते हैं हलवा एकदम रेडी है। तो अब हम लोग गैस को बंद कर देते हैं और हलवे को उतार लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा हलवा तैयार हुआ है।
और इधर कुकर का भी प्रेशर निकल गया है, तो हम लोग अपने चने को चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं चना हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए आराम से दब जा रहा है एकदम। तो ये पक गया है अच्छे से और इसका पानी जो है इसे हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, इसे यूज़ करेंगे। तो चने को मैंने साइड में रख दिया है और हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ली है, हल्दी पाउडर थोड़ा कम ही लें। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है, मैंने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है सब्ज़ी में इसलिए लाल मिर्च कम ही डाल रही हूँ। 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच हम लोग आमचूर का पाउडर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आमचूर का पाउडर ले लेती हूँ और साथ में हम लोग नमक लेंगे 1/2 छोटी चम्मच। मैंने चने को उबालने में भी नमक डाला है इसलिए नमक हिसाब से लिया है मैंने। और 3-4 टेबल स्पून पानी डाल के इसे हम लोग घोल लेंगे मसाले को। सूखे मसाले को घोल कर डालने से सब्ज़ी हमारी जो है जलती नहीं है, चिपकते नहीं है मसाले। तो इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लिया मैंने। अब गैस पे प्रेशर कुकर को रख दिया है और चने को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो कुकर हमारा जैसे गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप घी में भी बना सकते हैं प्रसाद। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और 2 तेज़पत्ते। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा पकने देंगे। अब जैसे ही ये पक जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च को कूट करके लिया है मैंने, आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं अदरक को। तो इसे डाल के कुछ सेकंड्स तक हम लोग पका लेंगे और इसमें जो मसाले का मैंने घोल तैयार किया है उसे डाल देंगे। और गैस को मैंने लो मीडियम पे रखा है और इसे लगाते हुए कुछ सेकंड्स तक पकाएंगे चलाते हुए। ये मसाले हमारे तुरंत पक जाएंगे। तो देखिए तेल रिलीज़ हो रहा है यानी पक गए हमारे मसाले। और अब इसमें हम लोग चने को पानी से निकाल करके डाल देंगे और पानी को अभी साइड में रख देंगे। अब चने को हम लोग 2-3 मिनट तक भुनेंगे मसालों के साथ। तो चने को हम लोग ऐसे 2-3 मिनट तक भून लेंगे और ये हमारे चने फ्राई हो गए। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा कलर चेंज हो गया है, मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो गए हैं चनों में। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच चना मसाला, आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। साथ में थोड़ा सा मैंने चना का पानी डाला है और इसे हम लोग 4 से 5 मिनट तक इस तरह से चला के और मीडियम फ्लेम पर ढक के पकाएंगे। तो फ्रेंड्स 4-5 मिनट हो गए हैं और अच्छे से हमारा चना एकदम गरम मसाला चना मसाला के साथ पक गया है। तो अब बाकी का जो पानी था उसे भी हम लोग डाल देंगे और अच्छे से एक बार मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसे ढक के हम लोग 2-3 मिनट तक और पकने देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा चना मसाला एकदम रेडी है, पानी भी एकदम सूख गई है। लोग देख सकते हैं और ये उतारने के बाद भी थोड़ा ड्राई होता है। तो अब हम लोग गैस बंद कर देते हैं और इसे साइड कर लेते हैं। सब्ज़ी तैयार है हमारी और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। अब आटे को हम लोग गूंद लेंगे पूरी के लिए। यहाँ पे मैंने कोई तेल वगैरह नहीं डाला इसमें, आप चाहे तो घी या तेल डाल सकते हैं। और आटे को हम लोग सख्त गूंथेंगे ताकि पूड़ियाँ बेलने में आसानी हो। तो पूड़ी के लिए हम लोग सख्त आटा लगाएंगे, चपाती की तरह नहीं लगाएंगे। इससे पूड़ी हमारी थोड़ी अच्छी बनती है, नरम बनती है और खस्ता भी बनती है बिना मोइन के भी। तो इस तरह से मजबूत हाथों से हम लोग आटा लगा लेंगे। तो ये हमारा डो तैयार है। इतना डो तैयार करने के लिए हमें 1/2 ग्लास से भी कम पानी लगा है। तो अब इसे ढक के हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा सेट होने के लिए, फिर पूड़ियाँ बनाएंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं और आटे हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं। तो इसे हम लोग मिला लेते हैं एक बार अच्छे से और इसके हम लोग पूड़ी के लिए लोई ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे लोई ले लेंगे और अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के अच्छे से इसकी लोई तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से चिकनी लोई हमें तैयार करनी है। सारे लोई मैं पहले तैयार कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने लोइयाँ ले ली हैं और अब हम लोग पूरियों को बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा घी लगा लेंगे पहले सरफेस पे ताकि चिपके ना, और हल्के हाथों से हम लोग पूरियाँ बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, नहीं तो फूलती नहीं हमारी पूरी। तो हल्के हाथों से हम लोग बेल लेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग घुमा घुमा के गोल पूरियाँ बेल लेंगे। तो इसी तरह से सारी पूरियाँ तैयार कर ली है मैंने यहाँ पे। और इधर मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, तो गर्म हो गई घी हमारी। तो पूरियों को ऐसे हम लोग हल्का लाल होने तक, गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से पलट के हम लोग पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी खिली खिली हमारी पूरियाँ बन रही हैं। तो बिना मोइन के ही एकदम मुलायम पूरी हमारी तैयार होगी। अगर आटा को आप गीला कर देंगे तो पूरी हमारी जैसे ही थोड़ी ठंडी होगी बहुत ये हार्ड हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सख्त आटा का पूरी लगाएं। और ये लीजिए हमारी पूरियाँ भी तैयार हैं। तो अब हम लोग माता रानी का प्रसाद को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी बहुत ही टेस्टी चना मसाला और साथ में एकदम नरम सॉफ्ट दानेदार सूजी का हलवा, बहुत ही स्वादिष्ट हुआ है हलवा। अगर आप परफेक्ट रेसिपी के साथ बनाइएगा तो हलवा हाँ बहुत ही स्वादिष्ट और ज़बरदस्त बनेगा। और साथ में अब पूरी को भी ले लेती हूँ। तो लीजिए ये हमारा अष्टमी और नवमी को माता रानी को भोग लगाने के लिए या फिर कुंवारी कन्या को खिलाने के लिए प्रसाद रेडी है। एकदम पंडाल में जैसा हलवा पूरी और चना मिलता है वैसा ही घर पे आप बनाइए और माता रानी को भोग लगाइए और प्रसाद लोगों में बांटिए। और मेरी ये हलवा पूरी और चने की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी को मेरी तरफ़ से हैप्पी नवरात्रि।